Suprabhat namaskar and a very good morning मैं आकाश आकाशेव एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स के इस एडिशन में आप सबका तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा डेली करंट अफेयर्स पे आपको ना सिर्फ डेली करंट अफेयर्स का पता चलता है क्या नए अपडेट्स हैं बल्कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या स्पेसिफिक है क्या इंपॉर्टेंट है वो हर एक चीज आपको यहाँ पे पता चलती है प्रॉपर तरीके से आप हर रोज सुबह सात बजे इन अपडेट्स को जान पाते हैं इन अपडेट्स को समझ पाते हैं टुडे इज द सेकंड एडिशन कल फर्स्ट एडिशन था डेली करंट अफेयर का यानी कि चार तारीख वाला एंड उसको आपने बहुत प्यार दिया बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा उसके साथ जुड़े एंड सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि मैं शुरू से ही स्टूडेंट पार्टिसिपेशन को ना सिर्फ इनक्रेज करता हूँ बल्कि अप्रिशिएट भी करता हूँ जी हाँ दोनों में एक अंतर है मैं हमेशा चाहूंगा कि आप पार्टिसिपेट करें आप सेशन को पूरा देखें उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं उसका आप जवाब दें और मैं उसको एक तरह से कर रहा हूं इस तरह से क्योंकि मैं हमेशा आपका जो भी आप देंगे, उसको डिस्प्ले that, वो मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले करवाऊंगा जो कि आपके आंसर होंगे जो भी कॉमेंट्स आप करते हो उनको यहाँ पे डिस्प्ले किया जाता है रेगुलर बेसिस बहुत शॉर्ट क्रिस्पर कंसाइज रखते हैं हम लोग हमेशा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनीवेज तो आज का जो डेली करंट अफेयर्स का एडिशन है उसको मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बताऊंगा कि आज किन ही हेडलाइंस पे हम लोग अपना फोकस बनाकर रखने वाले हैं किन के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सो so, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है आज की इस एडिशन की उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं क्या है वो सबसे पहले मैं बात करूंगा ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव जो कि सीओपी 28 के कंटेक्स में है बहुत इंपॉर्टेंट है पहली महिला

पहले यू uh, नो uh, you know, और मास्टर्स की भी बात करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से एंड देन विल टॉक इंडिया जॉइनिंग ऑफ कोडेक्स ये क्या है किसके साथ एसोसिएट करता है कैसे फूड स्टैंडर्ड्स को इंटरनेशनल लेवल पे ये इम्पैक्ट करता है उसके ऊपर भी मैं यहाँ पे चर्चा करूंगा सो इट्स एक्चुअली इंपॉर्टेंट ऑलवेज एंड मैं इतना आपको जरूर बताता हूँ कि इन सेशन से आपके ना सिर्फ ज्ञान में वृद्धि होगी बल्कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सो बिफोर ए स्टार्ट द सेशन जैसे कि मैं आपको प्रॉमिस किया था मैं दिखाना चाहता हूँ कि किन स्टूडेंट्स ने कल पार्टिसिपेट uh, किया एक तरह से जो सेशन था उसके जो कॉमेंट सेक्शन है वहाँ पे मुझे क्या दिखाई दिया वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ आई कुड सी अविनाश सिंह जिन्होंने आंसर दिया है वेरी गुड देन वी गोड युवराज कुर्मी देन वी हैव नाहर सिंह जय विजय ठाकुर एंड देन यू गोड इशिका सो ये कुछ हमारे स्टूडेंट्स uh, हैं इनमें से कुछ Mbibke के प्लेटफॉर्म पे ही हमारे साथ जुड़े हैं कुछ पहले के स्टूडेंट्स हैं जो कि रेगुलर रहते हैं डेली में तो मैं इनकरेज करना मैक्सिमम लोगों की पार्टिसिपेशन जिससे कि आपका भी नाम यहां पे फीचर हो पाए आई एम यू ऑल सबसे पहले बहुत जो न्यूज आइटम है उससे मैं स्टार्ट करना चाहूंगा, COP28 के साथ जो एसोसिएट कर रहा है उसके साथ हम लोग बात करें देखिए कल अगर आपने डीसीए देखा देखा है देखा है डेली करंट अफेयर तो मैंने कल भी आ, बहुत ज्यादा चर्चा की थी COP28 के ऊपर यूएई में स्टार्ट हुआ आ, इंडिया को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कौन प्रेसिडेंट है इसका मैंने काफी सारी चीजों के बारे में बात की लेकिन आज हम उससे एक स्टेप आगे जाके बात करेंगे विल टॉक अबाउट ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव जी हाँ जी जी सी आई बिफोर की होती है इंपॉर्टेंट है लेकिन इन नेगोशिएशंस में कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है वो कैसे क्योंकि इन नेगोशिएशंस में आप देखेंगे कि हर एक कंट्री बोलेगी जी हम भी क्लाइमेट चेंज को सपोर्ट करना चाहते हैं हम भी क्लाइमेट चेंज जो है हम ग्लोबल वार्मिंग को रोकना चाहते हैं लेकिन हमारे पास फंड्स की कमी है पैसों की कमी है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि, कि किस प्रकार से वो जो फंड्स हैं वो कहीं ना कहीं उन कंट्रीज को मिले जो कि इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं शायद इतनी अमीर कंट्रीज नहीं है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है तो मैं एक बेसिक चीज आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे ये जो जी जी, जी, जी की हम लोग बात करें किस तरह से इंपॉर्टेंट है दैट्स बाकी सीओ पी ट्वेंटी एट की मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा कौन इसके प्रेजिडेंट है सब कुछ हम लोग बात कर चुके हैं इन प्रीवियस सेशन अगर आपने नहीं देखा तो जरूर जाके देखेगा अगर धरती को बचाने के लिए कोई भी ले रहा है, ले रहा है, तो हम उसको क्या कर रहे हैं इंसेंटिवाइज कर रहे हैं बेसिकली किसी तरह का इनाम दे रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे हम करेंगे ग्रीन फॉर कर, कर रहे हो तो ग्रीन क्रेडिट्स दिए जाएंगे मतलब इस तरह से इन, इन्विज किया जा रहा है भारत के द्वारा ये आइडिया किससे दिए भारत ने दिया है और सबसे अच्छी बात क्या है कि ग्लोबल लेवल पे कोलेबोरेशन कोऑपरेशन और पार्टनरशिप जो है ग्रीन इनिशियटिव को लेकर वो जीजीसीआई के थ्रू ही हो सकती है ये माना जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये आप याद रखिएगा ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव जो है इस कंटेक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूं तो क्वेश्चन किस तरह से आता है कि ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव जो है वो कहां पर न्यूज में था सीओपी ट्वेंटी एट पर न्यूज में था किस कंट्री ने उसको आगे रखे तो ऑफकोर्स इंडिया जो है इसमें पाइनियर है इंडिया फ्रंट पे आया है जो कि course, बहुत बड़ी बात है तो इस तरह की आपको पता you know, uh, और दूसरी बात यह है कि आपको एक बेसिक आइडिया जरूर होना चाहिए हमेशा कि किस प्रकार से हम लोग हर एक चीज को देखते हैं हर एक न्यूज आइटम को पढ़ते हैं वो हमारे लिए नो नेक्स्ट न्यूज आइटम ऑफ कोर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक लेजेंडरी महिला की मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं कमांडर प्रेरणा देवस्थली की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि किसी महिला को कमान दी जा रही है एक वॉरशिप की ये बहुत बड़ी बात है सो विल विल बी टॉकिंग अबाउट दैट एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो वॉरशिप जो है न्यूज में

ये मुंबई में वेस्टर्न नेवल कमांड है वाइजेग में ईस्टर्न नेवल कमांड है और वी हैव गॉट पे सदर नेवल कमांड तो यहाँ पे आपको ये पता जरूर होना चाहिए कि किस प्रकार से कहाँ पे हमारी नेवल कमांड्स है मैं फिर से बताना चाहूंगा दैट वी हैव गॉट कहाजेग में ईस्टर्न नेवल कमांड वी हैव गॉट कोची में सदर नेवल कमांड एंड देन वी गॉट मुंबई में वेस्टर्न नेवल कमांड सो यस दीज आर द थ्री नेवल कमांड्स वी हैव 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 यू टू दिस है बेसिक आइडिया और गोवा में जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट क्लियर है एक पेट्रोल शिप ये पेट्रोल वैसे ली है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए तो थोड़ा सा हमें इसके बारे में अगर आइडिया है विच इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ठीक है तो त्रिंकट क्लास की जब भी बात आती है तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से यहाँ पे इसको बनाया जाता है जीआरएसी के द्वारा जीआरएसी मतलब गार्डन इज शिप बिल्डर तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा क्लियर हो गया इतना नाउ uh, छोटा सा एक पॉइंट आप और ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट ये तो अब आपको क्लियर हो ही गया वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट

ये आप ज़रूर नोटिस करिएगा बिकॉज दैट सर्टली इज इंपॉर्टेंट तो ये थोड़ा सा आपको एक आइडिया होना चाहिए कि भाई हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है एक बर्ड के नाम पे मैं वो बर्ड भी आपको दिखाऊंगा एंड दिस ऑफ कोर्स इज इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू दैट किस तरह से ये नॉर्थ ईस्ट की जो ब्यूटी है उसको दिसंबर के महीने में सबके सामने ला कर रखता है और ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता कि ये जो फेस्टिवल है इट वाज इनोगरेटेड इन द ईयर ऑफ 2000 तो ये uh, सन 2000 में ईयर 2000 में दिस हॉर्नविल तो ये कोई बहुत एंशिएंट फेस्टिवल नहीं है पहली बात तो ये है ये दिसंबर के महीने में आप देखोगे दिसंबर फर्स्ट वीक में हर साल आपको देखने को मिलता है तो ये आपको कुछ-कुछ चीजें जो है वो सीएपीएफ uh, के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है सीडीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है ये आप याद रखिएगा द 10 डे फेस्टिवल बेसिकली इज इन द मंथ ऑफ दिसंबर 1 से 10 दिसंबर के बीच में

पेपर के हिसाब से दिल भी आसिंग यू कि वेयर वी हैव फाउंड द शार्क फॉसिल्स सो इट हैज बीन फाउंड इन जैसलमेर दैट इज राजस्थान एज सिंपल एज दैट मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कुछ मतलब आपको नहीं करना है इतना अगर आपको पता है दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन ठीक है जी सो so बहुत बेसिक सा आइडिया आपको यहां पे पिक करना है मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा दैट इज एब्सोल्युटली फाइन आगे बढ़ते हैं नाउ वी टॉक अबाउट इंडियन स्पाइस रिसर्च इंस्टीट्यूट एक छोटा सा होमवर्क है आपके लिए कि इंडियन स्पाइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है बेटे वो कहां पर बेस्ड है या इसके हेडक्वार्ट है या बेस्ड कहां पर है ये पहले तो आप मुझे बताएंगे वेरी बेसिक क्वेश्चन दिस ये आज का होमवर्क आप समझ लो अपना इंडियन स्पाइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहां पर बेस्ड है ये आप मुझे बताएंगे उसके बाद न्यूज आइटम हैव डेवलप्ड न्यू वैरायटी ऑफ ब्लैक पेपर काली मिर्च होती है उसका नाम क्या रखा गया चंद्रा

काली मिर्च जो है हमेशा से काली मिर्च नहीं होती वो इस तरह से लगती है तो इंडियन स्पाइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ही डेवलप किया है न्यू ऑफ ब्लैक पेपर जिसको नाम दिया गया है क्या चंद्रा बेसिक सी चीज है नाउ कमिंग बैक टू दिस थिंग अब आप एक चीज इसको आई आई एसआर चंद्रा बोला जाता है या चंद्रा बोला जाता है वन सेम थिंग और इन्होंने बहुत रिसर्च uh, के बाद इसको यहाँ पे जनरेट किया है सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि भाई यहाँ पे

अगर थोड़ा सा और डिटेल में जूम में ज़ूम देखना चाहते हो तो कुछ किस तरह से ये सारी चीजों को हम लोग देख रहे हैं और गेम चेंजर यही है क्योंकि ब्लैक पेपर की इकोनॉमी जो है उसको रेवोल्यूशनाइज करने के लिए हमें एक प्रॉपर वैरायटी चाहिए थी और वो वैरायटी जो है ये बनकर उभर सकती है तो ऐसा हमारा यहां पे मानना है ये इंपॉर्टेंट है तो बस आपने देखो यही कुछ कुछ चीजें हैं जिनको और अच्छे से मतलब पढ़ते रहना है और उससे आपको ठीक ठाक एक आइडिया यहाँ पे मिल जाता है क्लियर आई नो प्रोडिजी चेस जगत की दो प्रोडीजीज की बात करना चाहूंगा प्रगनंदा को तो कौन नहीं जानता Now, the अब बहुत खास बात क्या है ग्रैंड मास्टर्स दुनिया में बहुत है लेकिन यहाँ पे पहली बार हुआ है कि एक भाई बहन का जो डुओ है वो दोनों ग्रैंड मास्टर्स बन गए हैं और भी कुछ चीजें हैं जिनको उजागर करूंगा ये आप पहले तो अंडरस्टैंड कर लो कि भाई जब हम बात करते हैं वैशाली रमेश बाबू की शी इज ओनली थर्ड फीमेल ग्रांड मास्टर फ्रॉम इंडिया आफ्टर कुनेरू हम्पी एंड हरिका द्रोणवल्ली अब एक चीज आप नोटिस करना कि ये क्या बताता है आपको जब भी हम लोग फीमेल की बात करते हैं, तो आपको बहुत लिमिटेड ही मतलब यहाँ पे प्लेयर दिख रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सो आर वैशाली इज द लाइक थर्ड फीमेल चेस ग्रैंड मास्टर ये हमारे लिए थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है

then we had of course rona wali and then we have vishali ramesh babu so teesri female grandmaster hai bharat se ye aapko pata hona chahiye dusra aapko ek basic idea pata hona chahiye grandmaster is the highest title or the ranking that a chess player can certainly achieve in their career to so, ye important hai kyunki fide jo hai international chess federation wo is grandmaster के टाइटल को आपको देती है. so i hope you getting these points very basic points these are and

वो हमें एक-एक करके देखनी है मतलब वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोडेक्स एलिमेंटेरियस क्या है बेसिकली फूड कोड है मतलब लैटिन टर्म अगर मैं इसको ये, इस पर्टिकुलर चीज को ट्रांसलेट करूं ये कोडेक्स एलिमेंटेरियस क्या है दैट इज फूड कोड लैटिन है ना ये सी सो बेसिकली हम जब भी फूड कोड की बात कर रहे हैं है, वो है ये सो so, आप ये आप याद रखिये कि मतलब जब हम फूड की बात करते हैं फूड लेबलिंग फूड सेफ्टी फूड प्रोडक्शन की तो उसके स्टैंडर्ड्स की हम बात करते हैं वो इसके साथ जुड़ा हुआ है यू नो फूड का जैसे लेबल कैसा होना चाहिए फूड का स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए ये सारी जो चीजें हैं उसी का उसी के साथ एसोसिएट करता है उसी के साथ डील करता है बेसिकली विल टॉक मोर अबाउट दैट बिकॉज मैं इतना आपको बताना चाहूंगा कि एफ के साथ बहुत क्लोजली काम होता है आई टॉक अबाउट दैट

मतलब रागी जुआर, बाजरा ये सब जो हमारे मेन मेन हैं उसके किस प्रकार से ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं वो पे किए जाएंगे और सबसे अच्छी बात है कि एफ ने भी सेट किया है ग्रुप स्टैंडर्ड्स विच, विच विल स्पेसिफाई एट क्वालिटी पैरामीटर्स जैसे लिमिट फॉर मॉइस्चर कंटेंट यूरिक एसिड ये सारी जो चीजें हैं ये मिलेट्स के अंदर हम करेंगे इसीलिए ये कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे मैं बताता हूं ये किससे जुड़ा हुआ है फूड कोड से समझ रहे हो फूड लेबलिंग फूड सेफ्टी फूड प्रोडक्शन हर चीज के साथ जो है वो एसोसिएट करता है ये तो जब आप बात करते हो एफएओ की फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की तो उसके साथ ही एसोसिएटेड तो ये आप याद रखिएगा कि एक कलेक्शन है फूड स्टैंडर्ड्स की जो कि एफएओ ही पब्लिश कर रहा है सो so बेसिकली

इसी के बारे में बताना चाहूंगा कोडेक्स के बारे में क्योंकि ये न्यूज में मतलब काफी ज्यादा है तो आप ये याद रखिएगा कि हमने क्या देखा है इसको मैंने अभी आपको बताया सो so, मतलब हमें कम से कम ये चीज तो मतलब आइडिया हो कि किस प्रकार से इस पर्टिकुलर चीज को बनाया गया है किस प्रकार से इसको क्रिएट किया गया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप एक चीज याद रखना कि हम लोग जब भी इसकी बात कर रहे हैं कि जैसे इसका मतलब आ, सेशन 1963 में पहला हुआ जरूर था लेकिन 1961-62 के बीच में ये बन गया है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट देखो मैं आपको बेसिक सी चीज बताता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होगी तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ बन गया था किसके द्वारा एफ के द्वारा उसके बाद क्या हुआ 1962 में

टेंट इसकी कि किस तरह से हेल्थ ऑफ कंज्यूमर को बचाया जा रहा है सेव किया जा रहा है सेव गार्ड किया जा रहा है दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे जो कि ये कर रहा है ठीक है तो ये आप याद रखना की ये बेसिकली फूड कोड ही है और मतलब हेडक्वार्टर्स तो रोम में ही होंगे क्योंकि एफ ए इसको देख रेख कर रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सो so आप बस एक चीज नोटिस कर लेना

एंड दैट इज वैशाली रमेश बाबू ठीक है जी तो वैशाली रमेश बाबू है यहाँ पे को तो फर्स्ट वन है ही है तो, uh, Next, मैं बात करना चाहूँगा इसकी अब ये अगेन uh, मैं आपको होमवर्क के लिए देना चाहूंगा इंडिया रिसेंटली ज्वाइंट एग्जीटिव कमेटी जो कि रूम में बेस्ड है लेकिन वो इन्वाड्स के साथ रिलेटेड है फूडर्ड्स मेडिसिन रेगुलेशन या फिर गवर्नेंस किस किसा एसोसिएटेड है आपको कमेंट करके बताना है तो है, uh, तो बेसिकली दो क्वेश्चंस यू इजीली कैन कमेंट एंड लेट मी नो इतना आप कर सकते हैं सो दैट आपका भी एक हो uh, आपको भी कहीं ना कहीं कुछ सीखने को मिले इस सेशन लाइक एवरी टाइम एंड आई वु इनको आपकी जो भी आइडियाज हैं जो भी